हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिलासपुर डिवीज़न के सीएमपुर रेलवे स्टेशन पे दो मालगाड़ी ट्रेन है उनकी टक्कर हो गई थी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि सिग्नल ओवरशूट क्या होता है। तो बिलासपुर डिवीज़न के सीएमपुर रेलवे स्टेशन पर कोयले से भरी हुई एक मालगाड़ी खड़ी थी, तो उसी समय और उसी ट्रैक पर दूसरी मालगाड़ी जो कोयले से भरी हुई थी और उसके अंदर जो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट थे, उन्होंने रेड सिग्नल को देखा नहीं, या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रेड सिग्नल को इग्नोर कर दिया हो। तो उन्होंने रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया और उसके बाद में जो पहले मालगाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर जाके टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि एक मालगाड़ी के डब्बे दूसरे मालगाड़ी के डब्बे पर चढ़ गए थे और ट्रेन के इंजन के अंदर आग लग गई थी। तो इन दोनों की मालगाड़ियों के जो डब्बे हैं उसी समय गुजरने वाली तीसरी मालगाड़ी के ऊपर जाके ये डब्बे गिर गए थे। तो अब बात करते हैं कि सिग्नल ओवर शूट क्या होता है। जब लोको पायलट या फिर असिस्टेंट लोको पायलट है रेड सिग्नल को क्रॉस कर दे, उसको बोलते हैं सिग्नल ओवर शूट। सिग्नल ओवर शूट को रेलवे के अंदर बोलते हैं SPAD, स्पेड, सिग्नल पासिंग एट डेंजर। तो दोस्तों, SPAD सिग्नल पासिंग एट डेंजर लोको पायलट या फिर असिस्टेंट लोको पायलट दोनों के लिए स्पेड करने पर सबसे बड़ी सज़ा होती है। अगर कोई भी लोको पायलट या फिर असिस्टेंट लोको पायलट रेड सिग्नल को क्रॉस कर दे तो उनको डायरेक्ट या तो सस्पेंड किया जाता है या फिर रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जाता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो दूसरी मालगाड़ी थी उसके अंदर जो लोको पायलट था वो 14 घंटे से कंटिन्यू ट्रेन चला रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि लोको पायलट को नींद आ गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि लोको पायलट ने ध्यान नहीं दिया हो रेड सिग्नल पर। और ये जो घटना है सीएमपुर रेलवे स्टेशन में सुबह 7:15 हुई थी। और दोस्तों, बाकी की जो जानकारी है वो कंप्लीट जांच पड़ताल होने के बाद में पता लगेगा कि किसकी गलती हुई थी, क्या हुआ था